जय जवाहर संगवारी हो, स्वागत है आप मन के हमारे यूट्यूब चैनल में। संगवारी हो, अभी चलत है दिसंबर के महीना और आप मतलब पता है दिसंबर के महीना में बहुत ही जोर के ठंड पड़ते। अभी सब जगह खरीफ फसल के धान कटाई काम हो चुके हैं और अभी चलत है मंडी में धान बेचे काम। साथ ही साथ जे गाँव में भूजल अच्छा है और वहाँ बोर प्लाट की सुविधा है या नहर या अन्य माध्यम से सिंचाई की सुविधा मिलते वहाँ रबी फसल ले जाते। तो अभी गांव तरफ रवि फसल के तैयारी चलत है, तो मैं आप मतलब ये वीडियो के माध्यम से रवि फसल के जम्मो तैयारी दिखाने वाला हूं। तो बने रहो आप मन हमारे ये सुघर से वीडियो में। तो संगवारी हो, हमन यहाँ देखते हैं अपन खरीफ फसल में धान की कटाई होए के बाद जो धान के पेड़ के ये ठूट बच जा रहे थे जिला हमन यहाँ नरई बोलथन वोला जला चुके हैं और जलाए के बाद ये में बोर के माध्यम से वहाँ पे बोर में पानी चला थे, बोर के माध्यम से खेत में पानी पलोवा थे और ओकर बाद एला मताही फिर एला सड़ोही फिर धान के बुआई करे जाही। कई जगह धान के रोपा भी लगा है थरहा के लिए, ओकर बाद ओला धान ला खेत में लगाए जाही। तो अभी आसपास के सबो खेत में पानी पलो के रखत है वे और ओकर बाद वो में मतवाही। हम ना यहाँ पास सामने भी देखा था कि खेत में अभी तीर तिल्ला फावड़ा के माध्यम से छोला थे वे और जो खेत में अन्य जैसे कि ऊपर नीचे ये जगह रहते थे मल्ला क्लियर करा थे वे। तो हमारे गांव में बोर प्लाट के अच्छा सुविधा है और पूरा अभी खेत तक बिजली के बस्ता पहुँच है वे और बोर के माध्यम से पानी फलों के रबी फसल के बुआई करते। तो अभी हमने यहाँ देखा था कि जम्मो जगह रवि फसल के धान के बुआई के तैयारी चलत है। ये वाला खेत में पानी पलोवा थे ओकर बाद ये में मताही और ये वाला खेत में पानी पलो के मता चुके हैं और अभी सड़क लिए रखे है ओकर बाद ये में धान के बुआई हुई। तो अभी तीर तिला साफ करे काम चलत है जिला तीर तिला खपटाई का थे और ये जो डीपरा जगह है जो ऊँचा ऊँचा है वो मन के मिट्टी ला जो गड्ढा वाला जगह है वहाँ पर डाला ताकि खेत है समतल हो सके और बुआई करे तो सब धान बहुत अच्छे से अंकुरित हो सके।